नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं फैक्ट्स बकेट। जिस दौर में ऐसा माना जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का कभी सूर्यास्त नहीं होगा, उस दौर में उसे खुली चुनौती देते हुए भारत को आज़ादी दिलाने का सपना देखना, संकल्प लेना और कई अर्थों में उस सपने को सच करके दिखाना नेताजी सुभाष चंद्र बोस की महत्ता को उद्भाषित करने के लिए काफ़ी है। भारत को स्वतंत्र कराने का सपना देखने वाले सबसे बड़े लीडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अचानक से गायब हो जाना भारत की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी रही है। यह इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि एक औसत भारतीय ने अपने जीवन में कम से कम एक बार नेताजी की मृत्यु के बारे में चर्चा जरूर की है। हमारे जन्म से ही हमें यह बताया जा रहा है कि नेताजी की मृत्यु भारत से बाहर 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रैश में हुई थी। यह बात पूरी तरह से सच है, लेकिन एविडेंस तो किसी और बात की तरफ ही इशारा करते हैं। बात है 1945 की, जब पूरी दुनिया को एक शॉकिंग न्यूज मिली, मिस्टर सुभाष चंद्र बोस डेड, और कारण बताया गया प्लेन क्रैश। अगर नेताजी का देहांत वास्तव में 1945 में एक प्लेन क्रैश में हुआ था, तो 1967 तक उनके घर और उनकी फैमिली पर भारत सरकार ने नजर क्यों रखी? क्या कुछ ऐसा है जो आपसे और हमसे छुपाया जा रहा है? नेताजी के गायब होने के कारणों का पता लगाने के लिए भारत में दो बार इन्वेस्टिगेशन हुई, साल 1955 में शाह नवाज कमीशन और साल 1970 में खोसला कमीशन। इन दोनों कमीशन्स ने यह कंक्लूड किया कि नेताजी की डेथ 1945 में ताइवान में प्लेन क्रैश में हुई थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशंस का सिलसिला यही नहीं रुका, साल 1999 में एक और इन्वेस्टिगेशन हुई, मुखर्जी कमीशन, जिसमें यह दावा किया गया कि नेताजी की डेथ किसी प्लेन क्रैश में होना पॉसिबल ही नहीं है। पिछले दोनों इन्वेस्टिगेशंस भारत में ही हुए थे, लेकिन मुखर्जी कमीशन का इन्वेस्टिगेशन ऑन ग्राउंड ताइवान की धरती पर हुआ था। और इस इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला कि 1945 में ताइवान में ऐसे किसी प्लेन क्रैश का रिकॉर्ड ही नहीं है। तो फिर जो टोक्यो में रेंकोजी टेंपल में जो राख रखी गई है, जिन्हें हम नेताजी की अब तक रिमेन्स मानते थे, वो उनकी राख कैसे हो सकती है? और अगर ये सच है, तो फिर सुभाष चंद्र बोस के रिमेन्स की आज तक डीएनए टेस्टिंग क्यों नहीं की गई? बोस बाबू की फैमिली आज भी उनके रिमेन्स की डीएनए टेस्टिंग की मांग कर रही है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि नेताजी और कहीं नहीं बल्कि भारत ही लौट आए थे, और गुमनामी बाबा के नाम से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जी, लेकिन सच किसी को नहीं पता। इंक्वायरी शुरू हुई और साल 1949 में आज़ादी के सिर्फ 2 साल बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिस्टोरियन प्रतुल चंद्र गुप्ता जी को अपॉइंट किया। गुप्ता जी को काम दिया गया था कि इंडियन नेशनल आर्मी पर रिसर्च करे और इसका भारत की आज़ादी में क्या कंट्रीब्यूशन है, इस पर एक किताब लिखे। बताया जाता है कि यह रिसर्च कुछ महीने नहीं बल्कि कई सालों तक चला। लगभग 3 साल के इस रिसर्च में 490 पेजेस की एक स्क्रिप्ट तैयार की गई, जिसमें आईएनए के मिलिट्री ऑपरेशंस की पूरी जानकारी थी। लोगों को उम्मीद जगी कि शायद अब नेताजी और आजाद हिंद फौज का असली योगदान लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि यह स्क्रिप्ट पब्लिश ही नहीं हुई। आखिर क्या वजह थी कि उस स्क्रिप्ट को पब्लिश नहीं किया गया? आखिर क्या वजह थी कि सच से हमें इतना दूर रखा गया? अगर आप चाहते हैं कि यह बात और लोगों तक पहुंचे और सुभाष बाबू की फैमिली को इंसाफ मिले, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आप कमेंट करके बताइए कि नेताजी के बारे में आपकी क्या राय है। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।